हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी, उसका नाम है समय का फेर, और ये उड़ीसा की लोक कथा है, समय का फेर। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रह्मदेव नाम के एक राजा थे, उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम यशदेव और छोटे का नाम धनदेव था। दो पुत्रों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ तो राजा ने उनका नाम कीर्ति रखा। तीनों दूज के चांद की तरह बढ़ रहे थे। कुछ सालों बाद यशदेव का राजतिलक हुआ और वे राजा बने। धनदेव को राज्य का एक बड़ा भूभाग देकर उसे भी वहाँ का राजा बना दिया, यानी कि दोनों भाई राजा बन गए। राजकुमारी कीर्ति का विवाह भी एक राजा से कर दिया गया और वह भी रानी बन गई। यशदेव बड़े थे, पिता का उत्तराधिकारी भी। बहन कीर्ति का उन पर विशेष स्नेह था। वह हर वार त्यौहार पर भाई के घर आती, उसका बड़ा आदर सत्कार होता। कुछ दिन भाई भाभी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर जब कीर्ति जाती तो राजा यशदेव उसे खूब धन और साजो सामान के साथ विदा करते। एक बार पड़ोस के एक राजा ने यशदेव के राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा यशदेव हमले के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत साहस और धीरज से काम लिया। उनके विश्वसनीय सेनापति मारे गए। विजय और सहायता की कोई उम्मीद नहीं रही तो वे रात में अपनी पत्नी और बच्चों सहित राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। सातों सुखों में पले राजकुमार व रानी जंगल के जीवन में मुरझाने लगे। उन्हें इस हाल में देखकर राजा की चिंता बढ़ गई। एक दिन राजा को अपने भाई और बहन का ख्याल आया। भाई धनदेव भले ही छोटे थे, भूभाग के राजा थे, पर बहन कीर्ति का ऐश्वर्य अतुलनीय था। राजा यशदेव ने कीर्ति से मदद लेने का फैसला किया। बहन कीर्ति के राजधानी में पहुंचकर राजा यशदेव सोचने लगे, इस बुरी हालत में कैसे बहन से मिलूं? उन्होंने तिलक आदि लगाकर ज्योतिषी का भेष बनाया। महल के द्वारपाल से उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रानी के मायके से आया हूँ। बचपन में मैं उनकी कुंडली देखकर मैंने उनके रानी बनने की भविष्यवाणी की थी, पर उस दिन दक्षिणा नहीं दी थी। आज मैं वही दक्षिणा लेने आया हूँ। रानी की आज्ञा पाकर द्वारपाल ने ज्योतिषी को अंदर पहुँचा दिया। ज्योतिषी ने रानी को हाथ दिखाने को कहा। हाथ देखते यशदेव ने अपनी नकली दाढ़ी हटा ली और बहन को अपना परिचय दिया। अपनी सारी कहानी सुनाकर उन्होंने उससे धन और सेना की सहायता मांगी। कीर्ति अपने भाई के हाल को देख कर रो पड़ी। आसपास आते जाते दास दासियों को देख उसने अपने को संयत किया। उसने सोचा, वह रानी है, उसके गरीब भाई को देखकर प्रजा क्या सोचेगी? वह राजा की नज़रों से भी गिर सकती है। बहन को चुप देख यशदेव बोले, कीर्ति, मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। भाई, मैं विवश हूँ, तुम्हें इस दशा में अपने पति से मिलाते हुए मुझे लाज लगती है। वाह भाई वाह, वे भी क्या सोचेंगे? रानी कीर्ति ने अपने भाई से कहा, तुम ज्योतिषी के ही भेष में महल से बाहर वाले पीपल तले बैठ जाना। मैं दासी के हाथ तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान भेजती हूँ। ऐसी बहन जो खुद, मतलब खुद भाई कितना उसको प्यार करता था, और जब उसको मुसीबत आई तो उसने क्या बोला कि मेरी इज्जत वो हो जाएगी राजा के सामने, प्रजा क्या सोच रही है? इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकती, कीर्ति ने कहा। यशदेव बहुत निराश होकर आए और पीपल तले बैठकर दासी की प्रतिज्ञा करने लगे। हे भगवान, ऐसे दिन किसी को देखने ना पड़े। सांझ ढल गई तो दासी आकर एक पोटली ले गई। बड़ी आशा से राजा ने पोटली खोली, पर उसमें कुछ पका हुआ भोजन, कुछ पुराने कपड़े और थोड़े से पैसे थे। पोटली खोलकर राजा यशदेव बहुत दुखी हुए, पर विवश थे। बहुत भूख लगी थी सो खाना खाया और वहीं सो गए। भोर होते ही उन्होंने बहन के राज्य से विदा ली। रानी के पास पहुंचकर राजा ने सभी समाचार सुनाए और बोले, अब हमें मजदूरी का जीवन यापन करना पड़ेगा, क्योंकि हम दुख में कोई सहायता नहीं करता।
एक दिन रानी ने कहा, महाराज, धनदेव अपने राजकाज में व्यस्त रहे, पर वे आपके भाई हैं। बहन ने तो दिखा दिया उसको अपना रंग। अब भाई के लिए रानी बोल रही है, आप एक बार उनके पास भी जाकर तो देखें। यशदेव को रानी की बात जची। दूसरे ही दिन वे ज्योतिषी का वेश बनाकर भाई के राज के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है। ब्राह्मणों के लिए राजा के द्वार सदैव खुले हैं। यह कहता हुआ द्वारपाल उन्हें राजा के कक्ष में पहुँचा आया। राजा धनदेव ने उन्हें प्रणाम किया और आसन दिया। यशदेव ने अपनी दाढ़ी उतारी और बोले, धनदेव, मैं आपका भाई यशदेव हूँ। शत्रु से पराजित हूँ। मैं सपरिवार वन में कष्ट भुगत रहा हूँ। यह तो कभी आप तक आने का अवकाश नहीं मिला, पर आज धन और सेवा की सहायता के लिए आया हूँ। राजा धनदेव भाई की दुर्दशा देखकर रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े। राजा धनदेव उन्हें महल में ले गए और ऊंचे आसन पर भाई को बिठाया। अपनी सेना भेजकर सम्मान सहित जंगल से भाभी और बच्चों को बुलाया। दोनों भाई प्रेम से रहने लगे। कुछ ही समय बाद सेना संगठित कर भाई के राज्य में बसे शत्रु पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त हुई। मतलब भाई एक छोटा सा राज्य का राजा था, फिर भी उसने अपने बड़े भाई की सहायता की, उसकी कष्ट में यानी कि बुरे दिनों में उसकी सहायता की। तो भाई होता है। त्योहारों के दिन नज़दीक था। राजा को बहन कीर्ति की याद आई। फिर भी देख लो भाई उसका, उसको अपनी बहन की याद आ गई। उन्होंने उसे बुलाव भेजा। कीर्ति आई पश्चाताप के साथ, बोली, भाई मुझे क्षमा करो। दुख सुख तो धूप छांव की तरह मनुष्य के साथ लगे रहते हैं। मैं झूठे अहंकार के कारण तुम्हें निराश कर बैठी और खुद भी दुखी हुई। राजा यशदेव और धनदेव व रानी कीर्ति वर्षों तक राज्य करते हुए नेह निर्वाह करते रहे। इस घटना के बाद यह कहावत प्रचलित हुई कि संपत्ति में तो बहन और विपत्ति में भाई। सच है, लेकिन सब कोई ऐसा नहीं होता कि अपने भाइयों से संपत्ति में ही प्यार प्रेम से रहे, विपत्ति में भी काम आते हैं। लेकिन ये होते हैं इनके जैसी कि अपने भाइयों को संपत्ति में ही याद करे और विपत्ति में भूल जाए।